बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं बलबीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा बैठक मंदमोहन सिंह साहब। हमें पता ही चला कि जो हमारा इस वक्त पुलिस का गार्ड में जो हमारा एक पुलिस का एक आदमी है, उसने अब इन्फॉर्म किया था, और हमारे प्रधान साहब ने भी जो कि इस वक्त अमृतसर साहब में थे, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि आज जो गुरुद्वारा साहब की जो हमारी वॉल है उसमें ग्रेनेड फेंका गया। मैं ये कहूँगा इस वक्त जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें SSP पूंछ और अपना DC पूंछ और सारे जो आवाम है यहाँ पे पहुँची हुई है, मैं ये उसको कहना चाहता हूँ, ये एक इस तरीके से उसने प्लान करके एक रिलीजियस स्थान को जो निशाना बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बैसाखी का जो है फेस्टिवल आ रहा है, इसके साथ साथ आपको पता होगा कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो शाम को है बहुत बड़ा यहाँ पे दीवान होने जा रहा है। 325 साल साहिब श्री गुरु हमारा जो प्रकाश पुरब जो है खालसा पंथ का वो बनाया जा रहा है, और इस सिलसिले में 11 तारीख को यहाँ से बहुत बड़ा नगर कीर्तन जो है यहाँ से निकलना था, वो जो डेरा निगालसा में जाना था, जिसमें बाहर से रागी जत्थे प्रचारक और बहुत बड़े विद्वान यहाँ पे पहुँच रहे थे, और इस सिलसिला में उसने ये इस स्थान पे ग्रेनेड डालने की कोशिश की है, क्योंकि ये बिजी रोड है। इस बिजी रोड होने के नाते हज़ारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल में भी आते हैं, और जो लोग हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, और हमारी जो रिलीजियस ये इस जगह पे उसने कोशिश की है वो कामयाब नहीं होगा। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो इस पर लगी है, हमारी एजेंसी इस वक्त लगी हुई है, वो बच के नहीं जाएगा। उसने हमारे पुंछ की एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसने यहाँ पे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो बच के नहीं जाएगा। वो जो है, जब तक मैं ये पुंछ की आवाम से ये कहूँगा कि वो कोई भी आदमी जो आपको पहचाने के बगैर आपका किराएदार हो आगे हो पीछे, उसको पुलिस के हवाले ज़रूर करें, और ये कोशिश करें कि अपना भाईचारा हम बना के रखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो रिलीजियस प्रोग्राम है जो 11 तारीख को एक नगर कीर्तन जो है यहाँ से निगाली साहब में जाना था, उसी किस तरीके से उसने जो यहाँ पे नुकसान पहुँचाया है। और मैं अपनी सिख कम्युनिटी को भी ये बात कहना चाहता हूँ, किसी किस्म का हमने रोष नहीं करना है, हमने मिलजुल के उस दहशतगर्द का जिसने ये काम करने की कोशिश की है उसका मुकाबला करेंगे, और उसको पुलिस के हवाले हमने करना ही करना है।